उन्होंने रात को कोशिश किया, अगर दिन में कोशिश करते तो शायद रोक भी पाते। जब वो छूटी जाएगा तो हेयरिंग का क्या मतलब होता है, मुझे तो नहीं समझ आ रहा है कि जब छूट जाएगा तो हेयरिंग करेंगे चाहे उसको अंदर करेंगे। हमारा तो बस लड़ाई इस पे है, वो बाहर नहीं आना चाहिए। तो जब बाहर आ ही जाएगा तो हेयरिंग करो चाहे जो भी कुछ करो। ये तो एक जनता को गुमराह करने वाली बात है। बच्चों को उठा उठा के जबरदस्ती बस में भर दिए, एक का शर्ट फट गया, एक का चोट लग गया, ऐसे ही थोड़ी लग गया। बच्चे चले गए, फिर लड़कियां थी साइड में, हम बैठे थे, हम लोगों को भी जबरदस्ती एक बार तो रस्सा लगा के ठेल दिया उधर, दोबारा फिर खड़े हुए तो जबरदस्ती उठा के भर दिया। तो ऐसे थोड़ी हम वहाँ हम गए तो हम पहले ही बोल दिए कि देखिए हम आप लोगों का कोई नुकसान चाहे तोड़ फोड़ करने नहीं आए हैं, हमें सीधा हम शांत से धरना करेंगे, हम चले जाएंगे। लेकिन फिर भी उन लोगों ने नहीं माना, हम लोगों को वहां से बैठने नहीं दिया। हमारा था कि हम यहाँ बैठेंगे, सब लोग को भी उतना दूर बुलाए, लेकिन उन लोगों ने हमारे को हटा दिया, वहां से बैठने नहीं दिया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से हम लोग न्याय के लिए मांग करने वहां गए तो हमको हरासमेंट करके वहां से हटा दिया गया। अब जो महिलाएं रोड पे तड़पती रहती हैं तब इनकी फोर्स कहाँ रहती है, तब ये कहाँ रहते हैं, तब उन सबों को क्यों नहीं पकड़ते, तब क्यों नहीं रोक, अपराध क्यों नहीं रोकते हैं, इनको क्या परवाह है। अगर समाज में भी गलत जाएगा, दूसरी की बच्चियां बलि चढ़ेंगी, इनकी बच्चियां तो बच्ची चढ़ेंगी नहीं, पुलिस वालों की चढ़ेगी नहीं, सरकार की चढ़ेगी नहीं, कोर्ट वालों की चढ़ेगी। इन लोगों की बच्चियों को तो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, इन लोगों को क्या होना है, होना तो आम ही आदमी को है। तो इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, आज फर्क पड़ना होता तो उतना घिनौना क्राइम हुआ, बीच में ये लोग कुछ बदलते नहीं। सबको पता था कि नहीं वो छूटेगा 3 साल में, तो इस 3 साल के बीच में इंतजाम करना चाहिए ना, कौन सा इंतजाम करके दिखा दिए। तो मुझे तो ये है कि मुझे इंसाफ चाहिए और उसकी रिहाई पे रोक चाहिए, बाकी मैं और कुछ नहीं जानती। सुनवाई क्या होना है, जब बाहर आ गया तो सुनवाई का क्या मतलब है, ये सिर्फ बेवकूफ बनाने वाली बात है। चलो कोर्ट है जो कर रहा ठीक है, लेकिन आज हमारी सरकार जो है, चाहे केंद्र है चाहे राज्य है, इन लोगों को यही है कि आप प्रदर्शन करो, धरना करो, आपको लाठी चलेगी तब हम कुछ आपको सुनेंगे। इन लोगों को पहले तो सुनना होता नहीं है, अगर समय रहते न्याय हो जाता या इसके ऊपर कोई सुनवाई हो जाती तो ये दिन देखने को नहीं आता।